हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और बहुत ढेर सारा प्यार। और आप लोग बोलते हो ना कि कैसे उठ जाती हो आप इतना सुबह 5 o'clock पे, तो ये देखिए जब ये दोनों उठ जाएंगे तो फिर हम कैसे सो सकते हैं। 4:51 हो रहा है, मैं दिखा रही हूँ, ये दोनों जग रहे हैं और इनको फीडिंग करा दिया, मिल्क पिला दिया, नैपी चेंज कर दिया, उसके बावजूद ये जग रहे हैं, तो मुझे भी जगना ही है। उसके बाद फिर मेरा कंटिन्यू मॉर्निंग का सब रूटीन शुरू हो जाता है। ओके, इनको दिखाती हूँ। इसकी आँख पे लाइट पड़ रही है तो इसलिए स्लीप। ये मैं दिखा रही थी कि दोनों साइड से मैंने बम्फर को नीचे कर दिया है कि ताकि ये दोनों बात कर सके, वरना ये जो है पकड़ पकड़ के खींचते थे उसको, नोचते थे कि खुल जाए किसी तरीके से, तो मैंने दोनों को खिसका के नीचे कर दिया है। तो अब इनको एक दूसरे को दिखाई पड़ता है। के बाद ये दोनों खेल खेल के सो गए थे। फिर मैं अपना मॉर्निंग अपना रूटीन करी, योगासन वगैरह किया, मैंने वो मोटर पी लिया, फिर उसके बाद किचन में आई हूँ। यहाँ आलू का पराठा आज मैं बना रही हूँ बच्चों को ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ मैंने 2 आलू को छील दिया है, पिल कर दिया, और इसको जो है माइक्रोवेव में रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ये हो जाएगा बॉयल। और उसके बाद फिर मैंने आटा भी बना लिया है। आटा में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है, थोड़ा सा जीरा मिला दिया है, जीरा से टेस्ट अच्छा आता है। और जब पूरियाँ बनाती हूँ तो अजवाइन मिलाती हूँ और रोटी में कुछ नहीं मिलाती हूँ। तो बस यहाँ आलू हो चुका है, आलू को मैंने निकाल लिया है माइक्रोवेव से और इसको मैं कद्दू से ग्रेट कर लूँगी। तो अभी बहुत गर्म है और हाथ मेरा बहुत जल रहा था, बट हो गया धीरे धीरे। और यहाँ आज मैं 2 तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि इसको मैंने इसने बोला था मुझे, मम्मी इसमें रात कल बना कल ही बोल दिया था कि क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा वो ओनियन खाने लग गई है, पहले बिल्कुल नहीं खाती थी, निकाल दिया करती, तभी भी वो गार्लिक निकाल देती है। तो उसने बोला था कि मम्मा जब पराठा बनाना तो उसमें ओनियन मिला देना। तो अब मैं अगर ओनियन मिलाती हूँ तो फिर अलग करके मिलाऊँगी, एक साथ में नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि स्कूल में मैं ओनियन नहीं देती हूँ। किसी किसी को यहाँ पे ओनियन से एलर्जी होती है, जैसे किसी किसी को आलमंड से होती है। यहाँ इंग्लिश लोगों को आलमंड से, बादाम से, नट्स से, मूंगफली से, इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है। तो किसी किसी को ओनियन से भी होती है, मेरे पड़ोसी को भी है। तो बस इसीलिए कि कोई कंप्लेन ना आए स्कूल से, तो इसलिए मैं उसको सादा बना कर दूँगी और यहाँ जो घर में ब्रेकफास्ट करेगी उसमें ओनियन मिला दूँगी। तो यहाँ मैंने आज 2 तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ये बना के, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि आप कैसे बना लेते हो ऐसे लोई बनाकर उसको पॉकेट के अंदर रख के। मैं तो नहीं बना पाते क्योंकि मेरा फट जाता है, तो साइड से निकल जाता, मेरे भी निकलते हैं। किसी किसी में होता क्या है कि डिपेंड करता है आटे के ऊपर, और जो अंदर उसमें आपने भरा हुआ है, स्टफिंग करी है, वो स्टफिंग बहुत स्मूथ होना चाहिए। अगर उसमें ज़रा सा भी लम्स रह जाएगा तो वो फूट जाएगा और वो साइड से निकल जाएगा। और कभी कभी यहाँ बहुत ही अच्छा अगर आपका स्टफिंग है लेकिन आटे में डिफरेंस आ जाता है, तो कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये देखिए, एक तो मैंने आपको ऐसे बता दिया जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ, फिर एक मैंने आपको दिखा दिया कि ये ऐसे थोड़ा सा बेल कर इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और उसके बाद इसमें स्टफिंग करिए और चारों तरफ से क्लोज कर दीजिए पैक करके, और फिर इसको हाथ से थोड़ा सा बढ़ा के उसके बाद बेल दीजिए, तो भी नहीं फूटता है।
तो ये मैं पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक और तरीके से बताऊँगी। आपका पराठा कभी नहीं फूटेगा, बट ये है कि जो आटा आप बनाइए उसको थोड़ा सा जो है हल्का सा टाइट रखिए, पूरी के जितना टाइट नहीं होता है, हल्का सा जरा सा उससे कम टाइट होता है। तो जब टाइट होगा तो कभी आपका जो है फटेगा नहीं, बहुत ही रोटी जैसा आटा होगा तो निकल जाएगा। उसके बाद जो बचा था वो मैंने उसमें मिला दिया, क्योंकि दो ही पराठा मुझे बनाना था उसको देने के लिए, तो जो प्लेन आलू बच गए थे वो मैंने ओनियन वाले में मिला दिया है। तो बस यहाँ मैं पराठा उसका सेक कर रख दूँगी, क्योंकि वो जैम लगा के ले जाती है, तो मुझे जैम लगा के वो ले जाती है तो अच्छा लगता है उसको खाने में, तो मुझे वो लगाना है, इसलिए मैंने ठंडा हो जाने के लिए पहले बना दिया है इसको। मुझे कहने जा रही थी मैं कि मुझे बेटे को भी खाना देना टिफिन में अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको भी दूँ, बट स्कूल वाले पता नहीं क्यों मना करते हैं। उनका कुछ फंडिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट से जो नॉर्स से फंडिंग होती है के नॉर्स के लिए, उसके उसमें कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मना किया, लेकिन वहाँ वेजिटेरियन उसको मिल जाता है। बट एज ए मदर हम वरिड तो रहते ही हैं कि आज उसने क्या खाया होगा, तो मैं पूछती रहती हूँ, फ़ोन करके पूछती हूँ, वहाँ पे उनको बताती हूँ कि मेक श्योर रहे कि बच्चा सारा खाना जो भी आप दो फिनिश कर ले। बट वही होता है ना कि अब वो कहते तो हैं लेकिन फिर भी मुझे बिलीव नहीं होता, कि हर दिन उससे पूछती हूँ कि बेटा सैंडविच खाया, क्या खाया, तो बोलता है सैंडविच खाया, किसी दिन पिज़्ज़ा होता है, तो पिज़्ज़ा तो हमें मालूम है कि उसका फेवरेट है, तो यस क्या करें। बस यहाँ पराठा हो गया है स्कूल ले जाने का, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बना के बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने, क्योंकि मुझे दो पराठा बनाना है, एक प्रियंका के लिए एक शिवांश के लिए, एक ही एक पराठा ये लोग मॉर्निंग में खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं क्योंकि उनको दूध भी पीना होता है, और इतना जल्दी मॉर्निंग में कोई बच्चा नहीं खा पाता, क्या और भी बड़े भी नहीं खा पाते हैं, तो एक एक पराठा ये लोग खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने चार लोइयाँ बनाई हैं, क्योंकि पराठा दो बनाना है बट लोइयाँ मैंने चार बनाई हैं। तो पहले एक ऐसे बेल लीजिए, पहले एक रोटी जैसा बेल के हटा दीजिए, फिर एक दूसरा रोटी बेलिए इस तरीके से पतला सा, और उसके उसके अंदर स्टफिंग कर दीजिए आलू का, और पूरा जो है फैला दीजिए चारों तरफ से, तो वो भी आप देखेंगे कि नहीं फटेगा। तो ये हाँ मैंने ऐसे रख के और चारों तरफ से फैला दिया, आपका पराठा यकीन मानिए कभी नहीं साइड से निकलेगा। ये देखिए अच्छे से इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा बेलन चला दिया है ऊपर से, बेल देने के बाद ये पूरा स्टक हो जाता है एक दूसरे के साथ। थोड़ा ये पराठा मुझे हैवी लगता है बनाने में, क्योंकि ये दो रोटियों का एक रोटी बनता है इसलिए, और वो जो मैंने पहले बनाया था वो बहुत ही हल्का और छोटा सा पराठा होता है, तो इसीलिए मैं ये कम बनाती हूँ, लेकिन आपको बताना था इसलिए मैंने बताया, बना के बता दिया कि आप जो है इस तरीके से बना सकते हो। फिर उसके बाद मैं बेटी का यहाँ लंच पैक कर दूंगी, उसमें मैंने ठंडा हो गया है पराठा, तो फिर उसमें मैंने जैम लगा दिया है, जैम लगा के इसको रोल कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह स्टफिंग कर सकते हैं, अगर सब्जी हो वो भी स्टफिंग कर सकते हैं, तो अंदर इसमें आलू ऑलरेडी भरा हुआ है, और ऊपर से आप चाहें तो सैलेड डाल के, कोकम्बर ओनियन डाल के इसको काठी रोल जैसा बनाकर भी दे सकते हैं बच्चे को, बट उसको मैंने जैम लगा कर दे दिया, वो ऐसे ही अच्छा लगता है, कभी कभी देती हूँ वो वाला भी बना के, तो आज मैंने उसको जैम लगा कर दे दिया है। तो बस यहाँ दो उसका रोल तैयार हो गया है, वो खा लेती है दो रोल। फिर एक एप्रिकोट असॉर्टेड रख दिया है, फिर थोड़ा सा मैंने ककम्बर काट के रख दिया स्टिक, आज इसमें मैंने फ्रूट कोई नहीं रखे, फ्रूट वो अलग से ले जाएगी ब्रेन ब्रेक के लिए। तो यस उसका लंच रेडी है, इतना इनफ है उसको, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है खाने का, उसी में उसको एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, तो बस इतना इनफ था। फिर मैं बच्चों को स्कूल से छोड़कर आई, अपना चाय नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद जब धूप थोड़ी सी खड़ी हो गई तो मैं बच्चों दोनों बेबी को लेकर यहाँ लेट गई। तो कृष्ण तो सो गया था, और राम को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ बट वो नहीं सो रहा है, और बाद में उसने उल्टी कर दिया, तो मुझे सब उसका चेंज करना पड़ा, कृष्ण को ले जाके अंदर लिटाया, और
उसके बाद आज थोड़ा सा घास भी सोचा कि काट दूँ। हस्बैंड ने बोला था कि वो वीकेंड में कर देंगे, बट बेचारे थक जाते हैं, वो भी जॉब से आते हैं, तो किसी को तो करना ही था, तो मैंने ही कर दिया। मैं बहुत कम करती हूँ ये सब काम, वही करते हैं, बट वही है ना कि अब कुछ मुझे करना था कि बैठे बैठे क्या करूँ, करना है कुछ काम, तो वही वाला हाल है। तो ये इनको ही लिटा के, एक को अंदर करके आई और एक को यही झूले पर लिटा दिया, और मैंने घास भी काट दिया है आज। तो यस, गार्डन मेरा अच्छा दिखने लग गया, अब थोड़ा सा प्लांटिंग वगैरह कर देंगे, फ्लावर्स ला के टाइम आ गया है लगाने वाला। अपने पैर ऊपर कर रही हूँ बार बार इस साइड से कि कृष्ण को धूप ना लगे, और मैंने पार्सल भी नीचे कर दिया है झूले का, लेकिन फिर भी वो एकदम खड़ी धूप आ रही है। बाद में मैं उसको अंदर लिटा आई थी, और ये तो महाशय राम जी तो सो ही नहीं रहे थे, तो इनको मैंने यहाँ लिटा रखा है, पहले बैठा ला था, उसके बाद इस थोड़े थोड़े देर बाद इसको चेक करती रही हूँ, तो देखा कि सोने लग गया, बस इसको मैंने सुला दिया है, फिर सो गया था ये। तो देख सकते हैं आप, धूप एकदम ऊपर ही से सन देवता हैं, तो इस वजह से खड़ा धूप बिल्कुल लग रहा है। और फिर मैंने सारे सामान को एक साइड किया, और उसके बाद में फिर चीज़ों को किनारे करके फिर मैं घास काटना शुरू कर दिया, और ये भी जो है सोने लग गया था, तो आकर फिर मैंने इसको सुला दिया है पहले। और बीच बीच में उसको भी जा रही हूँ, कृष्ण को भी अंदर देखने की वो कहीं उठ तो नहीं गया है, आखिरकार वो थोड़ी देर बाद उठ गया था, तो फिर मैं उसे भी ला कर यहीं लेटा ली हूँ। तो बस ऐसे काम निपट जाता है, बस निपटाने के लिए जुगाड़ चाहिए होता है। तो यहाँ घास भी आज काट लिया मैंने, और अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा गार्डन में, वरना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे ना, क्योंकि धूप हो नहीं रही थी, और अगर गीले घास को काटोगे तो आप मिट्टी भी निकल आएगी, तो इस वजह से हम लोग काट नहीं रहे थे। तो कल बहुत ज़्यादा, मतलब 18 का टेम्परेचर था, आज 19 का है। कल घास सूख गई थी थोड़ा सा, आज भी सूख गया, तो मैंने काट दिया। फिर यहाँ मिडिल वाला वाले जो सारे ग्रास थे वो काट लिए। ये जो साइड के कॉर्नर के होते हैं, यहाँ पे ग्रास कटर नहीं जाता है, इसके लिए एक छोटा आता है, कॉर्नर कटर आता है, वो मेरा ख़राब हो गया है, तो यहाँ मैंने इसको कैंची से काट दिया साइड से। इधर ही प्लांट सारे लगाने के इस बार हमारे प्लान हैं। तो उसके बाद कृष्ण भी उठ गया था, तो कृष्ण को उठा लाई हूँ मैं, और उसको भी यहीं लिटा दिया है, और एक ब्लैंकेट लगा दिया है ऊपर से, पार्सल के ऊपर से, कि ताकि उसको किसी को धूप ना लगे दोनों को। और जब साफ़ हो जाने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, कहीं भी कोई भी चीज़ हो, क्लीन हो गया है तो बहुत ही खुला खुला सा लग रहा है। और ये है गुलाब का प्लांट, जो कि इतना बड़ा हो गया, बहुत छोटा सा हमने लगाया था। और उसके बाद ये यहाँ पर मैंने बेबी फूड स्टीमर ब्लेंडर है, इसको निकाला था, अंदर शेड में रखा हुआ था, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो
उसमें ब्लेंड करने के लिए। ये स्टीमर भी है, साथ में स्टीम भी हो जाता है। तो यस, इसको क्लीन कर लिया है अच्छे से। फिर यहाँ रामकृष्ण को मैंने सुला दिया था ले जाके अंदर, और उसके बाद शावर कर लिया है, और यहाँ मैंने शिव जी के दर्शन कर लिए हैं, उनका पैर छू लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। मैं जल नहीं चढ़ाती हूँ जब लेट हो जाता है, तो आज मुझे नहाने में लेट हो गया, तो इसलिए मैंने उनको जल नहीं चढ़ाया है, बस उनसे आशीर्वाद ले लिया है। और आज मुझे जीपी भी जाना है बच्चों को लेकर, उनका बूस्टर डोज लगने वाला है। जीपी जाने से पहले मैंने दाल बना दिया है, सब्जी काट के रख दिया है और राइस रख दिया है बनने के लिए। तो बच्चे आने वाले हैं, जब तक मैं आऊँगी तब तक खाना रेडी हो जाएगा, जस आने के बाद सब्जी छौंक दूँगी। ये बैठे हैं रामकृष्ण अपने प्रेम में, तो हम वॉक करके जाएंगे आज, और हम इधर से क्रॉस करेंगे रोड बिकॉज कुछ बन रहा है। हेलो राम, राम कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर क्या? अभी चुई लगा देगी, अभी चुई लगा देगी डॉक्टर, गंदू डॉक्टर, गंदू डॉक्टर। हंसता हंसता बेबी, रोता रोता बेबी दे देगी फिर। चलो, पर जाना तो है ही है, जाना तो है ही है। फिर मैं घर आ गई और हस्बैंड भी आ गए, बच्चे भी आ चुके हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला है सरसों का, उसमें मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है और प्याज डाल दिया है और मिर्चा डाल दिया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और जुकिनी डालकर सब्जी, हल्की सी, बहुत ही लटपटी सी सब्जी बनेगी अच्छी सी। आप चाहें तो इसमें, आप इसमें मेरे पास था नहीं तो ये तो पनीर डाल के भी बन सकता है, आलू की जगह पनीर डाल सकते हैं, बहुत अच्छी वो भी सब्जी होती है, आई लव दैट वन। मैंने जो है पूरे प्रेगनेंसी में, जब मुझे यहीं जैसे रोटी वगैरह नहीं खाना होता था या ब्रेड जिस दिन नहीं खाती थी, ये सब्जी बना कर रख लेती थी, और जब बीच में भूख लगती थी तो मैं यही खा लेती थी। तो और उसमें कोई तेल मसाला कुछ नहीं डालती थी, जस्ट ऐसे ही तरोई डालती थी, इसको तरोई कह रही हूँ मैं, इसको डालती थी और ये सब्जी तैयार हो जाता। उसमें फिर हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, उसके बाद नमक डाल दिया था, बाद में टमाटर डाल दिया है। ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है, आप इसको ऐसे भी चावल से खा सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। और मेरी दादी ना इसको, इसमें जो है चना होता है, जो काला वाला चना भिगो के रखती थी, और तरोई, वहाँ तो तरोई बोलते हैं, तो तरोई और लौकी आप में डालकर अच्छे से, अगर चना उसमें भी लौकी में भी डालकर बनाओ तो अच्छा बनता है, और इसमें भी आप वही चना यूज़ कर सकते हो। तो चने डाल के भी सब्जी बहुत अच्छी है बनती है। तो ये देखिए सब्जी हमारी रेडी है और सब्जी हो चुकी है, बच्चों को खाना दे दूँगी। और बहुत ही सिंपल सी आज की हमारी लंच थाली है, आप लोग भी आइए हमारे साथ लंच कर लीजिए। ये देखिए सब्जी है, चावल है, काली दाल बनाई है मैंने उड़द की, और ये इसमें थोड़ा सा मैंने खीरा काट के रख दिया है। अच्छा नहीं, अच्छा लो, हम सामने खड़े हो गए उसके। अच्छा हाँ, आवाज बंद हो गया। I give up. Mmm.
Hey, what are you playing? Hide and seek. Would you like to play? Would you like to play tag? Okay. I must warn you though. Dun dun dun. I'm very good. Done. Wait, I want to see the blood. Dad. Oh, yeah. You turned off that TV. That's why we're mad. Yeah. You turned it off. They're mad at you. What is this? It's on the TV. It looks like a girl slash boy. Huh? 14 minutes long. 14 minutes long, Ad. 14 minutes, and all they're doing are they're wearing sheets. I'm just walking with some weird stuff on. Hello again. So, one more day completed. बच्चे अब दूध पी के जाएंगे सोने. 7:30 बज रहा है और ब्रश वगैरह अपना जब तक करेंगे 8 बज जाएगा उनको. फिर मैं अभी चलूँगी, थोड़ा सा बच्चों को मसाज करूँगी. अभी नहीं, 9 बजे तक करूँगी, क्योंकि जल्दी कर दो ना तो फिर वो बीच में उठते हैं. देर से करो तो आराम से सोते हैं लंबा. फिर हम भी सोएंगे उसके बाद. तो आज का फिर डे वन डे कंप्लीट हुआ. भगवान दूस नेक्स्ट डे अच्छे से दिखाए, सबका दिन अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, सब अपने अपने फैमिली में खुशी से रहें. और पता नहीं क्यों रोया, पापा के साथ है अपने. तो बस आज की हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक थी. कुछ ऐसी खास नहीं थी, बट जो कुछ हमारा दिन का अपना रूटीन था. मैं डेली तो नहीं कहूँगी, ये चीज़ें कभी कभार चलती हैं. घास वास, अब धूप निकली थी तो किसी एक को तो करना ही था तो मैंने ही कर दिया. लेकिन अब बहुत थकान लग रही है उसके बाद. लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ी सी उसी के सहारे मशक्क़त हो गई. तो चलती हूँ अब मैं नेक्स्ट जॉब की तरफ अपने. और मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ. मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो. मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए. बहुत 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 ढेर सारा प्यार आप सभी को. बाय बाय.